हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ एक और नया ब्रांड न्यू एपिसोड आर्क सर्वाइवल असेंडेड का। और आर्क सर्वाइवल असेंडेड में गाइस एक नया मैप आ चुका है। यस गाइस, जो सेकंड मैप था गाइस आर्क असेंडेड का स्क्रॉच अर्थ, वो यहाँ पे आ चुका है। साथ में उसमें कुछ नई नई डीएलसीज भी आई है, और हम लोग जो है गाइस आज उसी मैप को फर्स्ट टाइम खेलने वाले आर्क असेंडेड स्क्रॉच अर्थ। और उसमें कुछ भाई नए नए डायनो जो है गाइस वो भी एड करे गए, तो उनको भी हम लोग देखने वाले, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलो गाइस बिना किसी देरी के आज का ये वाला जो एपिसोड है ना गाइस वो यहाँ पे कर देते गाइस शुरू, एंड फुल टू द भाई मजा डालते। तो सबसे पहले तो हम लोग भाई अपना कैरेक्टर क्रिएट करने वाले अरे यार इतनी स्पॉन है, चलो यहाँ पे स्पॉन हो जाता हूँ मैं। हाँ, और इसमें मैंने जो ना गाइस कुछ मॉड्स भी डाले हुए हैं। This desert wasteland okay. was a turning point for Helena and her allies. हेलेना की थोड़ी स्टोरी सुन लेते हैं गाइस। Her fellow explorer Rockwell. रॉकवेल की स्टोरी बताई जा रही है, जो एंड गेम वाला बॉस है हमारा गाइस, ठीक है। If only Helena could have seen the threat that was so close to her. देखना गाइस, इसमें बताया जा रहा है कि रॉकवेल जो था वो पहले बहुत ज्यादा अच्छा भाई बंदा था यहाँ पे। ओके ऑलराइट, तो हम लोग को इसको ढूंढना है। और ये जो है गाइस वो रॉकवेल का भाई यहाँ पे जो है गाइस वो है वर्ल्ड है गाइस, ठीक है। सो हम लोग को मतलब वही गाइस बॉस फाइट वगैरह करनी है यहाँ पे। एंड इसका एक और डीएलसी आया हुआ है, वो भी हम लोग चेकआउट करेंगे बहुत ज्यादा जल्दी। वो जो ना गाइस अलग से हम लोग को खेलना पड़ेगा, वो हम लोग यहाँ पे नहीं खेल सकते, ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स गो भाई। मैप तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा भाई। हाँ गाइस, कैक्टस देखो, अरे बाबा रे बाबा यार, मैप तो एकदम जबरदस्त लग रहा है गाइस। वो ड्यूड, ये कौन है भाई? हेलो अंकल। अरे यार मैंने इसमें मॉड भी डाले ना, तो फुल मॉडर्न बन चुका है ये, क्या लग रहा है भाई। मुझे बताया गाइस यहाँ पे मुझे जाना कहाँ पे चाहिए। अगर बेस बनाना है तो सामने की तरफ मुझे एक पानी का जो है छोटा सा पॉन्ड मिल जाएगा, मैं वहीं पे जाने वाला, क्योंकि स्क्रॉच अर्थ जो है जो तुम्हारा भाई काफी ज्यादा खेल चुका है। सो मुझे यहाँ पे जो ना कहीं चप्पा चप्पा इस मैप का बताया कि कहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को। सो ये रहा गए जो पानी का पॉन्ड जिसके एक मिनट रुक जाओ, ये नदी, अरे यार पहले नदी आधी सूखी रहती थी, लेकिन अभी गाइस नए वाले स्क्रॉच अर्थ में ये नदी पूरे एरिया में भरी हुई है। अगर आप लोग नॉर्मल आर्क खेले होंगे तो उसमें आपको पता होगा ये नदी जो है ना गाइस यहाँ पे थी ना, यहाँ पे छोटे छोटे पॉन्ड्स हुआ करते थे, बट अभी यहाँ पे जो है गाइस नदी ने जगह ले ली है भाई, खतरनाक यार। लेट्स गो, चलो आ जाओ गाइस। अभी एक काम करता हूँ मैं जल्दी से, मुझे जो है गाइस यहाँ पे जल्दी जल्दी कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो है गाइस वो बना लेने। और इसमें मैंने जो गाइस प्रैमल केओस वाले मॉड है ना गाइस वो भी डाल रखे है, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो आर्क सुपर मेगा मॉडेड में जो मॉड हम लोग ने यूज करे थे वो मॉड हमने इस सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में डाले, और इसमें हम लोग फुल टू दबाई मचाने वाले। और मैं अपना बेस जो है ना गाइस, मेरे हिसाब से मैं अपना बेस जो है गाइस यहीं पे बनाऊंगा, क्योंकि इस मैप में जो है ना गाइस हम लोग को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो है गाइस पूरा डेजर्टेड गाइस आइलैंड यहाँ पे होने वाला है, तो जहाँ पे पानी मिलेगा भाई वहीं पे बेस बनाना जो है ना गाइस मेरे को तो अभी गाइस सबसे बेस्ट तरीका लग रहा है। और मैप जो ना इसमें FPS काफ़ी ज़्यादा हाई मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द आइलैंड ना, इस वाले मैप में FPS काफ़ी ज़्यादा, और नो लैग बॉयज। लेट्स गो, चलो आ जाओ जल्दी से, एक काम कर लेता हूँ मैं अपने लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो बना लेता हूँ। ये क्या है? हाँ एक्सेप्ट, अरे यार ये वो भाई ये जो कपड़े विपड़े हैं ना गाइज, इसकी प्राइस कितना है पता? 3500 रुपये के कपड़े दे रहे। ये देखो गाइज, ये भाई ये डेव का भाई, ये देखो ये सारी चीज़ें हम लोग को 3500 की मिल रही, नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए भाई, मैं नॉर्मल वाली ही चला लूँगा। ये नया अपडेट है गाइज एक्चुअली में, ये वाला जो आया ना गाइज ये एक्चुअली में जो है गाइज यहाँ पे नया अपडेट है, ठीक है। मुझे काम करने दो, मुझे टूल्स, अरे टूल्स अनलॉक करने से पहले मुझे अपनी खुद की लेवल अप करनी पड़ेगी। रुकना गाइस, मैं जल्दी से लेवल अप कर लेता हूँ अपनी फॉर्टीट्यूड में। गाइस ये डेजर्ट है तो भाई ध्यान रखना है हमको कि फॉर्टीट्यूड में जो जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे डाल देने, वरना प्रॉब्लम यहाँ पे FM के नहीं, FM के मॉड इसमें नहीं डाला है ना हम लोग ने अभी तक, ठीक है। क्लोथ्स नॉर्मल, अच्छा इसमें बीटा वगैरह क्लोथ भी मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स यार इसमें जो है कि सुपर मेगा मॉडेड वाले सारे के सारे मॉड्स है। एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्लोथ्स अनलॉक नहीं कर, अच्छा करे तो है, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे क्लोथ ऐड, ठीक है। अब बीटा नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए वाटर्स के, एक मिनट रुक जाओ, जो
जो अनलॉक करते हो गायब नहीं होते ना यहाँ से, मुझे लगा गायब होते। चलो मैं भाई यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो ना गाइस कुछ कुछ चीज़ें जो है गाइस वो बना लेता हूँ, ठीक है, और उसी से हम लोग हमारा घर बनाने का काम जो है गाइस वो भी शुरू करने वाले। गाइस एपिसोड नंबर 1 पे हम लोग रैप्टर पकड़ लेते हैं। मैंने भाई काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ना एक रैप्टर देखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने लिए भाई कुछ कपड़े वगैरह जो है ना गाइस वो बनाने दो और खाने पीने का जुगाड़ करने दो, मैं रैप्टर को पकड़ लेता हूँ। गाइस मैंने सामने की तरफ नदी में ना एक रैप्टर देखा हुआ था घूमते हुए, अब उसको पकड़ने के लिए भाई बोला बनाना जरूरी है यार। बिना बोला के उसको एक काम नहीं, क्लब बनाना, ये चीज बनाना जरूरी है। उसके लिए मुझे हाइट चाहिए होगा गाइस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने लिए गाइस थोड़े से इक्विपमेंट बना लूँ यहाँ पे। रुको यार, काफी खूबसूरत लग रहा भाई ये मैप, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आ गया। रुकना मैं जल्दी से जो है गाइस यहाँ पे, अरे यार मेरा कैरेक्टर ना थोड़ा सा छोटा सा है भाई, इसलिए घास में जो है ना गाइस डायरेक्टली घूम जाता है बेचारा। आप देख पा रहे होंगे भाई इसकी हाइट जो है गाइस वो काफी ज्यादा छोटी है, इसलिए बेचारा घास फूस में जो ना गाइस घूम जाता है। अब एक काम कर दो, फोर्टिट्यूड में पॉइंट, अरे यार हेल्थ में भी पॉइंट डाल दो थोड़ा, ऐसा ना हो गाइस कि मेरी पेटी बन जाए यहाँ पे। कपड़े शपड़े जल्दी से पहन लेता हूँ एंड हाँ थोड़ी इक्विपमेंट बना के ना एक दो टाइम उसको बस मारते और हमारे लिए जो है गाइस ये चीज बनाते, सबसे पहले बोला और क्लब तो गाइस हम लोग बना लेंगे, और क्लब और बोला की मदद से हम एपिसोड नंबर 1 पे आज यहाँ पे, अरे यार इससे तोड़ दे यार इसको, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे कैप्चर करने वाले गाइस रैप्टर को, ठीक है लेट्स गो। चलो मुझे जल्दी जल्दी से जो है गाइस यहाँ से फ्लिंट वगैरह इकट्ठा करने दो भर के, ताकि मैं जो है ना गाइस यहाँ पे पहले तो ये बनाऊंगा, स्पेयर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा और कुछ नहीं बनाना ना। फोर्टिट्यूड और मिली डैमेज में एक पॉइंट डाल देता हूँ एंड अगर पॉसिबल है तो क्लब बना लेता हूँ, क्लब की जरूरत पड़ेगी, क्लब के बिना काम नहीं होगा। बो एंड एरो भी बना लेता हूँ मैं लगे आता हूँ। ए रियूजेबल बोला नहीं है क्या? रियूजेबल बोला बना लूँ ना तो काम हो जाएगा। बोला एरो, अरे बोला एरो नहीं, रियूजेबल नहीं है क्या? ये रियूजेबल नहीं है और इसको बनाने के लिए मुझे 3 हाइट चाहिए, ठीक है। मैंने ये बना लिया क्या? अच्छा ये बना लिया है ना, ठीक है। चलो एक काम करते गाइस, थोड़ी सी जो ना गाइस अभी यहाँ पे हत्याकांड करके आना पड़ेगा मुझे, खाने का जुगाड़ थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा हत्याकांड जो है गाइस वो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा अभी, क्या करें यार। एक मिनट रुक जाओ, वो बनाने के लिए हम लोग को, वो बनाने के लिए हम लोग को बस वुडी, एक काम कर लेता हूँ यार, वो बनाने के लिए बस मुझे वुडी चाहिए ना, तो यहाँ से जल्दी जल्दी वुड और थैच इकट्ठा करते हैं, वो बनाता हूँ मैं, एरोज बनाता हूँ और फिर बोएड एरो की मदद से बड़े आराम से गाइस हम लोग किसी को भी यहाँ पे मार पाएंगे। लकीली हम लोग जहाँ पे स्पॉन हुए वो थोड़ा सा शांत एरिया है, तो यहाँ पे कोई खतरनाक से क्रीचर हमको देखने को नहीं मिलेंगे जो हमारी जो ना गाइस बैंड बजाए, हमारा पीछा कर करके हमारी बैंड बजाए, ऐसे क्रीचर नहीं है यहाँ पे। एरो 41 बन रहे, ठीक है। स्टैमिना में थोड़े पॉइंट डाल देता हूँ एंड मे बी क्राफ्टिंग स्पीड में थोड़े पॉइंट, ठीक है लेट्स गो। ये बन गई गाइस हमारी बो। अभी गाइस थोड़ी सी एरोज बन रही, मैं एक काम कर लेता हूँ पानी पी लेता हूँ क्योंकि मुझे प्यास लग रही है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे, तो जल्दी से गाइस पानी पी लेता हूँ और चलते हैं गाइस अभी फर्स्ट किल जो है गाइस हमारा वो करने के लिए, हमारा फर्स्ट शिकार करने के लिए हम लोग जाने वाले। मैं जाऊँ कहाँ पे? पीछे की तरफ जाऊँ क्या? एरो कितनी बन गई? ऑलमोस्ट बन गई। मिली डैमेज में पॉइंट डाल देता हूँ, किसी एक हाथ जो है ना गाइस डायनो को मारना था कि मुझे बोला मिल सके। चिटिन फ्री का चिटिन मिलेगा गाइस यहाँ से, फ्री का चिटिन, ओके डन, ठीक है। इससे सीमेंटिंग बेस बनेगा। यार कितनी घनी झाड़ियाँ है भाई, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा ठीक से, इसको नहीं मार सकता। यहाँ पे चीटियाँ उड़ रही, अरे चीटियाँ नहीं है, अच्छा चीटिन देने वाले गाइस वो है, वो देखो मॉड का जो ना गाइस डायनो आपको सामने की तरफ देखने को मिल रहा होगा भाई, ठीक है। चलो हम लोग जो ना गाइस ऐसे डायनो को ढूंढ, ये वाला गाइस इसको मार देते गाइस, इसको मार देते, रुको इसको बट से हेडशॉट मारते हैं, इसको मार के जो है गाइस इसका हाइट लेंगे और इस हाइट की मदद से बोला बना के रैप्टर को डैम करेंगे, ठीक है। बोला और क्लब बनाना, अरे मर जा भाई, ओके ठीक है डन, मर गया। अभी इससे हम हाइट जमा करते हैं, इस हाइट की मदद से सबसे पहले बनेगा एक बोला, नहीं दो बोला और एक क्लब भाई, ठीक है दो बोला एक क्लब भाई, ठीक है भाई लो। अरे यार ये मारने के लिए आ रहेगा मेरे को, और मुझे वाइब्रेंट के अंडे जो है ना गाइस वो भी चुराने के लिए जाना है। इस वाले मैप में वाइब्रेंट के अंडे जो है गाइस वो भी हम लोग को मिलने वाले वाइब्रेंट केव के अंदर, वो भी चुराने के लिए जाएंगे, तो भी मर जाए। बच्चे को क्लेम तो करता लेकिन नहीं करना मेरे को, नहीं करना भाई बच्चे को क्लेम, जाए बच्चे को मैं मार के गाइस इसका भी मीट निकाल लेता हूँ, रुको गाइस बच्चे को मार के इसका भी मीट निकाल लेता हूँ और थोड़ा हाइट निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो वो रहा रैप्टर, जिस रैप्टर की बात कर रहा था वो सामने की तरफ किसी से पंगे ले रहा है गाइस, रुको अबे मर, अरे यार डियोडोकर्स ने मार दिया बेचारे को,
अरे भाई ची भाई रुको, रैप्टर ढूंढना पड़ेगा गाइस मुझे। मैंने रैप्टर को इधर कहीं पे तो देखा था। ठीक है एक मिनट, चलो गाइस अभी हम लोग ना यहाँ पे एक और रैप्टर को ढूंढते हैं। मैंने यहाँ पे कहीं पे रैप्टर देखा है, मैं उसको जो ना गाइस जल्दी से जाके भाई यहाँ पे इस बोला से पकड़ के जो ना गाइस नॉकआउट कर लेता हूँ। रुको मैंने यहीं पे कहीं पे उसको देखा था। अब वो रहा गाइस, वो रहा, मुझे पता नहीं यार उसकी लेवल कितनी है। हाई लेवल होगी ना तो मैं उसको मार नहीं पाऊंगा। और मुझे एक भाई डायनो तो चाहिए स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर बैठ के मैं इधर उधर घूम सकूं। इसलिए गाइस मैं इस रैप्टर को यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। ये मैप दिखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है वैसे देखा जाए तो। भाई 70, अरे भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई। अरे बाबा रे बाबा, आउट ऑफ सिलेबस आ गई चीज। एक बोला बना, क्योंकि उसका बोला हटने वाला है और वो आने वाला है मेरे पीछे, इतना तो मेरे को पक्का पता है। मेरे को पक्का पता है भाई ये मेरे पीछे आएगा जरूर गाइस, ये आएगा जरूर। 70 लेवल का है भाई है, ये मेरे पीछे जरूर आएगा भाई, मेरे को इतना पता है भाई अच्छे से। चल बेटा गोलू बेटा, रैप्टर बेटा मस्ती नहीं, रैप्टर बेटा मस्ती। एक और बोला बना लेता हूँ इनकेस, समझ लो ये बोला अगर इसका हट गया ठीक है तो हम लोग एक और बोला जो है जिसको मार सके। ठीक है चलो आ जाओ, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए तो अपने भाई क्लब से भाई नॉकआउट करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लग रहा है गाइस कि इसको ज़्यादा कुछ टॉर्पोर वगैरह जो है गाइस वो यहाँ पे चढ़ रहा है। हमारे क्या भाई, हमारे क्या भाई, हमर भी मरे क्या रे। आजा भाई आजा, मेरे को पता है तू आएगा रे, मेरे को पता है भाई आएगा भाई, मेरे को अच्छे से पता भाई। ये लो क्लब को भी अभी टूटना था क्या। अरे यार एक और बोला बन रहा है लकीली, चलो एक और बोला बन रहा है गाइस। भाई इसको तो नॉकआउट करके रहूंगा मैं भाई किसी भी कीमत पे। मुझे पता नहीं यार इसको कितना टॉरपोर चढ़ना बाकी है और कितना टॉरपोर चढ़ चुका है अभी तक। ओह फाइनली लेट्स गो बॉयज, इसका ऑक्सीजन तो खत्म नहीं हो रहा ना। मुझे लग रहा है इसको ऑक्सीजन खत्म हो रहा होगा, मैं इसके अंदर मीट डाल देता हूँ। रैप्टर का सैडल बनेगा, लेट मी चेक रैप्टर सैडल, ये रहा रैप्टर सैडल, बन पाएगा। अरे लेट्स गो बॉयज, मजे ही मजे। रुकना अभी थोड़ा खाना पीना खाने दो, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है गाइस उसकी पूरी तरीके से बैंड बच चुकी है। ठीक है थोड़ा सा जो ना गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बेरीज वगैरह उठा के भाई खा लेता हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ की भाई पूरी तरीके से बैंड बच चुकी है। यार पानी भी खत्म, अरे हाँ मैं भूल गया भाई, ये मैप जो है गाइस इसमें भाई पानी जो है गाइस बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे यूज़ होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेजर्ट है। और आपको भी पता है भाई डेजर्ट में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो वाटर ही है भाई। ठीक है बॉडी जो है गाइस वो सबसे पहले डिहाइड्रेट होती है, इसलिए गाइस यहाँ पे ना वाटर काफ़ी जल्दी जल्दी करके गाइस ड्रेन होता है, तो उसका भी ध्यान रखना। इसलिए मैं घर जो है गाइस वो नदी के किनारे बना रहा हूँ अभी। तो मुझे भाई खाने पीने के लिए थोड़ी सी बेरीज मिल रही है, और इसको टेम होने में टाइम लगेगा, तो एक काम करूँ क्या, यहाँ पे मेटल होता है कहीं पे भाई, चप्पा चप्पा बताया मेरे को इस मैप का। ये देखो क्या बोला था गाइस भाई, चप्पा चप्पा बताया कहाँ पे क्या होता है। मैं इसकी मदद से ना अपने टूल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ, लाइक बो, उसके बाद अपना एक्स पिकैक्स वगैरह जो है उनको अपग्रेड करके हम लोग जो है ना कहीं जल्दी जल्दी से यहाँ पे अपना घर बनाने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज इकट्ठे। बटरफ्लाई ये पहले नहीं थी भाई, इसमें बटरफ्लाई ऐड करी गई है भाई। ठीक है चलो ये सही है भाई, मैं अपग्रेड स्टेशन निकालता हूँ। रुको ये रहा अपग्रेड स्टेशन, अपग्रेड स्टेशन आई थिंक से बन जाएगा, यस बन जाएगा। इसको लगाने के लिए गाइस मुझे एक फाउंडेशन चाहिए होगी, क्योंकि ये ऐसे ज़मीन पे नहीं लगेगा। मैं एक फाउंडेशन भी बना लेता हूँ और इसमें सारे के सारे अपने जितने भी टूल्स हैं ना उनको अपग्रेड कर लेता हूँ। भाई हेल्थ तो बहुत ज़्यादा जाएगी, 1000 हेल्थ कर लेता हूँ मैं, 1000 हेल्थ, स्टैमिना 300, वेट में थोड़े पॉइंट, इसमें थोड़े पॉइंट। ठीक है भाई चलो, ऑल राइट, ओके ओके लग जा भाई, ओके इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं अपग्रेड स्टेशन गाइस। मेरे को धक धक हो रहा है भाई, एक काम करूँ कैंप फायर लगा देता हूँ ना गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा हीलिंग के लिए गाइस मीट चाहिए होगा। ठीक है कैंप फायर लगाता हूँ। ए भाई तू उठने तो नहीं वाला ना, नहीं 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 उठने वाला, रुको लगा भाई उठ जाएगा ये, क्योंकि इसका टॉर्पर भी तो ड्रेन होता है ना,
चलो इसके अंदर थोड़ा वुड डाला जाए, चलो जितना है उतना डाल देता हूँ। प्राइम मीट खाएगा तेरा भाई। रुको इसके इन्वेंटरी से थोड़ा मीट भी लेके आता हूँ, मुझे खुद मीट खाना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी भाई थोड़ी। इसके पास हाफ डाल देता हूँ और मैं हाफ मीट उठा के यहाँ पे कुक करने के लिए डाल देता हूँ, ठीक है, जिसकी हम लोग को भी ज़रूरत है। लाइट फायर, ठीक है, इनेबल ऑटो क्राफ्ट भाई, ठीक है। सो मेरे टूल्स मुझे अपग्रेड करने हैं, तो मुझे चाहिए होगा भाई बहुत ज़्यादा जो है गाइस यहाँ पे वुड, थैच और फाइबर, ये चीज़ें मुझे काफ़ी सारी चाहिए होगी। तो मैं वुड जो है गाइस वो यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ लगभग, बोले बोले आ गई मेरे को वुड, मेरे हिसाब से 1000 वुड ले लेता हूँ, थैच 1000 लेते हैं। स्टोन और फ्लिंट भी चाहिए होगा मुझे थोड़ा सा, स्टोन और फ्लिंट वैसे मुझे उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा। रुको गाइस 1000, अरे यार 1000 मुझे नहीं लग रहा गाइस कि यहाँ से वुड मुझे मिल पाएगा, काफ़ी कम कम करके गाइस वुड मिल रहा है, ये देखना 300। ओके मुझे बो वगैरह भी अपग्रेड करनी है ना, इसलिए गाइस मैं एक्स्ट्रा वुड यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। देखता हूँ रुको कितना वुड हो गया, 800 हो गया ना, चलो 1000 हो जाएगा गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 वुड जो है गाइस वो इजीली हो जाएगा। ओके 200 300, ओके ठीक है इतना ही इनफ है। नाउ मुझे चाहिए होगा भाई थैच, इसको फर्स्ट रिपेयर कर लिया जाए और 40 to 20 पॉइंट कर लेता हूँ मैं फॉर्टीट्यूड में। क्राफ्टिंग स्किल नहीं चाहिए मेरा, मिली डैमेज चाहिए मुझे, ठीक है चलो। अभी थैच जो है गाइस वो 1000 चाहिए होगा, फाइबर चाहिए होगा, फ्लिंट और स्टोन, और उसके बाद सारे के सारे टूल जो है गाइस वो हमारे अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग को अपग्रेड वाले जो गाइस टूल्स है उसके लिए ब्लूप्रिंट वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग ऐसे अपग्रेड कर लेंगे। ओके 600 700 800 गाइस 900, ठीक है लेट्स गो 900 1000, ओके 1200 लगभग जो है गाइस थैच हमारे पास आ चुका है मेरा। ए रैप्टर गाइस फाइनली टेम हो चुका है भाई, संभल के जंप नहीं मारना, मेरी हेल्थ तो इतनी सी है, जंप मार के डायरेक्टली मर ही जाऊंगा मैं, ठीक है जंप नहीं मारना है बिल्कुल भी, हेल्थ देख तो भाई दिक्कत दे रहे हैं। रुको पानी पी ले, पानी पी ले भाई, पानी पी ले, खाना 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 भाई, खाना ये लो, खाना ये ले भाई, खाना ले खाना ले, पिरामिड भी खाऊंगा मेरे को, पिरामिड भी खा लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी रिजेन जो है गाइस अभी मेरी होती रहेगी यहाँ पे, अभी रैप्टर के अंदर जो है गाइस मैं डाल देता हूँ अपना सैडल, ठीक है। इसके ऊपर बैठ के मैं सामान इकट्ठा कर, नहीं यार ये ओवर वेट हो जाएगा भाई हमारा प्यारा सा रैप्टर, ठीक है। रैप्टर का कलर वैसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिला है मेरे को, रुकना गाइस मैं इसको नाम देता भाई चमन, ये हमारा जो है गाइस चमन रहेगा भाई, चमन आ जा भाई लेट्स गो गाइस, ये हमारा चमन है, चमन को मैं भी यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि मुझे रिसोर्सेज इकट्ठा करने भाई और कुछ नहीं करना। थैच भी हो चुका है, वुड भी हो गया है, स्टोन चाहिए, स्टोन के लिए पहले तो मैं हैचेट को भाई अपने अपग्रेड कर लेता हूँ, रुको स्टोन वरना ज़्यादा नहीं मिलेगा, रुको ना गाइस पहले हैचेट को अपग्रेड कर लूँ ताकि स्टोन वगैरह जो है गाइस वो ज़्यादा मिल सके। वुड फ्लिंट मेटल फाइबर थैच, ठीक है इसको अपग्रेड करा जाए ताकि मैं ज़्यादा स्टोन जो है वो फार्म कर सकूँ। 200 300 ऑल राइट, और अपग्रेड, और फ्लिंट चाहिए क्या, फ्लिंट चाहिए ठीक, इसके लिए भी फ्लिंट चाहिए, इसके लिए फ्लिंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोनों टूल्स अपग्रेड कर लेता हूँ और जल्दी जल्दी हम लोग और भी ज़्यादा रिसोर्सेज जो है गाइस वो इकट्ठा कर लेते हैं। मुझे अभी फ़िलहाल के लिए जितना दिख रहा है मुझे बस चाहिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, इसको फुल असेंडेड करना है। 500 डैमेज, 114, 535, 77, 600, 700, 760 मैक्स, 736 मैक्स डैमेज है। ऑल राइट चलो, तो मुझे अभी चाहिए फ्लिंट, रुको मैं अपनी रिजेन कर लेता हूँ, फ्लिंट चाहिए अभी, फ्लिंट वगैरह जो है गाइस वो भर भर के इकट्ठा कर पाऊंगा मैं क्योंकि मैंने अपग्रेड कर लिया अपने टूल्स, तो जल्दी जल्दी करके मुझे जो ना गाइस काफ़ी सारे रिसोर्सेज अभी यहाँ पे मिलेंगे। मुझे थोड़ा सा भाई यहाँ पे भी चाहिए होगा स्टोन भी, तो स्टोन भी जमा कर लेता हूँ। स्ट्रोम वगैरह आने वाला है क्या, अगर स्ट्रोम आया ना तो मैं मर जाऊंगा गाइस, इसमें स्ट्रोम भी आता है गाइस खतरनाक वाला, अगर वो आया ना तो समझ लो तुम्हारे भाई की बन गई पेटी, क्योंकि स्ट्रोम से बचने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है गाइस एक चीज जो अभी हम लोग ने बनाई नहीं, टेंट बनाना पड़ता है। इस टेंट अनलॉक कर लेता हूँ, रुको गाइस मैं टेंट बनाने के लिए क्या चाहिए, अरे टेंट अनलॉक ही नहीं है, टेंट अनलॉक ही नहीं है अभी, ठीक है चलो कोई ना। सैंड वगैरह मिल गया, मैं क्ले का घर बनाऊंगा, सैंड कुछ ज़्यादा ही मिल चुका है मुझे, इसे हम लोग क्ले बना लेंगे, ठीक है। अभी इसको अपग्रेड करा जाए 700 तक, थैच चाहिए है, थैच की कमी पड़ गई क्या, ठीक है मेरे को अपने हेल्थ जो है गाइस वो रिजेन कर लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी, खाना शाना खा के यहाँ पे, और भाई भर भर के थैच इकट्ठा कर लेता हूँ एक एक फटके में गाइस। हम लोग जो है ना गाइस अभी भाई पेड़ों को ये देखो,
एक एक पटके में तोड़ पाएंगे। इतने अपग्रेड कर लिए गाइस मैंने टूल, एक एक पटके में। ये देखना गाइस 300 भाई थैच, ये लो एक एक पटके में भाई, इजी पीजी ये लो 200 थैच। और थैच चाहिए होगा मुझे, मैं अपना घर जो है ना गाइस यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा है यार, चलो मैं यहीं पे बनाऊंगा गाइस, जंगल को पूरा साफ कर दूंगा और यहीं पे मैं अपना प्यारा सा घर जो है गाइस वो बनाने वाला हूँ। मेरे हिसाब से इतना थैच जो है गाइस वो इनफ होगा। ठीक है, रात हो गई यार, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा क्लाउड्स आ चुके हैं। ठीक है, अरे ये ले खा ले भाई, खा ले, रिजेन कर ले। ये रुकना गाइस, पॉइंट किस में डालूं? 10 पॉइंट आ चुके हैं। वेट 700 कर लेता हूँ, मिली डैमेज में थोड़े पॉइंट, स्टैमिना और क्राफ्टिंग स्पीड में फॉर्टिट्यूड जितना हो सके उतना बढ़ा देना है और स्टैमिना बढ़ा देता हूँ। ठीक है चलो लेट्स गो। अभी मैं हमारे भाई इन टूल्स को भी गाइस अपग्रेड कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। इस वाले टूल को भी हम लोग अपग्रेड कर लेते हैं, डन। 500-700 तक गाइस यहाँ पे इसका डैमेज जाएगा, तो मैं उतना इसको अपग्रेड कर सकता हूँ। 755, इससे ऊपर अपग्रेड नहीं, वो डैमेज नहीं जाएगा। इसका भी 736, इसका भी जा रहा है क्या? 755 ना, इसके ऊपर नहीं, 755 गाइस मैक्स है। 755 के ऊपर भाई अपग्रेड तो हो रहा है लेकिन कुछ डैमेज वगैरह इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ अपने बो की बारी, बो को भी मैक्स लेवल में गाइस मुझे अपग्रेड करना है। 755 हमारे बो का भी डैमेज जाना चाहिए। फाइबर कम पड़ रहा है, रुको गाइस फाइबर इकट्ठा कर लेते हैं। यार कितनी बार मुझे प्यास लग रही है भाई यहाँ पे। ठीक है रुकना गाइस, मुझे फाइबर इकट्ठा करना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मैं फोर्ज बना लूँ क्या? क्या मैं नहीं, उसके लिए स्मिदी बनाना पड़ेगा और स्मिदी बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा हाइड वगैरह जमा करना पड़ेगा। ठीक है एक काम करता हूँ, मुझे मीट की भी ज़रूरत है ना, रैप्टर को लेके चलते हैं। नहीं रैप्टर भाई की पहले जो है ना कैसे भी यहाँ पे हेल्थ थोड़ी सी फुल होने दो, फिर रैप्टर को लेके चलते हैं और थोड़ा हाइट जो है उसका जुगाड़ कर लेते हैं। ठीक है अभी मुझे चाहिए गाइस भर भर के फाइबर, यहाँ से सिल्क भी मिल जाता है वैसे। मेरे हिसाब से अभी मुझे जो है यार, मेरी हेल्थ क्यों फुल नहीं हो रही है देखना भाई, मेरी हेल्थ इतनी सी भी फुल नहीं हुई है। मुझे लग रहा है मुझे बेड बना के जो ना कहीं यहाँ पे भाई सुसाइड करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मेरी हेल्थ फुल होगी, क्योंकि हेल्थ भाई बिल्कुल भी इतनी सी बस फुल हुई है भाई इतनी सी। ठीक है मैं फाइबर भी जमा कर रहा हूँ बट मुझे फाइबर भी उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा। अच्छा ये बड़े वाले पेड़ों से ज़्यादा मिलता है फाइबर। ठीक है लगभग मेरे हिसाब से 500 फाइबर इनफ रहेगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली है। 500 फाइबर जो है गाइस वो कलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जिन्होंने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है फटाफट से कर देना गाइस, ठीक है फटाफट कर देना। 300 ओके, लगभग 400 फाइबर होने वाला है यहाँ पे। चलो देखता हूँ गाइस इतने से हो रहा है कि नहीं अपग्रेड। ठीक है फिर रैप्टर से थोड़ी सी हंटिंग करने के लिए जाएंगे। हेल्थ रिजेन करने के लिए बस मुझे मीट ही खाना पड़ेगा अभी, मीट खा के धीरे धीरे करके हेल्थ रिजेन होगी मेरी। ठीक है मैं बो डाल देता हूँ, टेम अपग्रेड 270। आई नीड मोर फाइबर मैन। फोर्ज बनाने के लिए कितना वो चाहिए, फोर्ज बनाने के लिए कितना चाहिए भाई? फोर्ज बनानी पड़ेगी गाइज मुझे, फोर्ज क्या मैं बना सकता हूँ अभी अगर चाहूँ तो? सामान ले लूँ सारा, मुझे हाइड चाहिए होगा गाइज, हाइड के बिना फोर्ज नहीं बन पाएगी। ठीक है रुको एक काम कर लेता हूँ, फिर मैं ये चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ और हम लोग हाइड का जो है गाइज थोड़ा सा जुगाड़ करने के लिए चलते हैं। ठीक है रैप्टर जो है गाइज वो हम लोग हाइड जमा करके दे देगा। ठीक है बट मारेंगे किसको, या तो दूसरे रैप्टर को मारना पड़ेगा, ये तो देखते चलो क्या सीन होता है। छोटे छोटे अगर डायनो मिले ना तो उनको मारना है मुझे। ठीक है मुझे हाइड चाहिए होगा, हाइड के बिना जो है हम लोग आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इसको जकड़ के थोड़ा चिटिंग का जुगाड़ करो। ठीक है वो रैप्टर भाई है सामने, दो रैप्टर भाई अपना, ये चुम्मू कर पाएगा कुछ इन दोनों को पता नहीं। लेट्स सी अभी वन शॉट डैमेज आ रहा है, डैमेज आ रहा भाई, डैमेज आ रहा। 180 हाइड, लेट्स गो बॉयज, हाइड का जुगाड़ हो चुका है। ठीक है सिकल बना लेता हूँ सबसे पहले भाई, इधर आजा चमन, इसका नाम चमन मैंने ऐसे ही नहीं रखा भाई, अच्छे से भाई सोच समझ के नाम रखा है चमन, और चमन जैसे हरकतें भी कर रहा है। ठीक है चलो मुझे हाइड जो है गाइस वो भी मिल गया, मेरी वो काफी ज्यादा अपग्रेडेड हो चुके हैं। एक फटके में उस रैप्टर की बाढ़ बजा दी हम लोग ने, मजाक हो रहा है क्या? चलो आज इसको यहाँ पे रख लूँ मैं, एंड नाउ आई नीड फोर्ज, बराबर आई नीड फोर्ज यस, एंड मुझे एक फाउंडेशन भी चाहिए होगी।
जिसके ऊपर फोर्ज, दो फाउंडेशन जिसके ऊपर मैं फोर्ज और स्मिथी वगैरह जो है गाइस वो लगा सकूँ। सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। और मेरे वेट का भी कुछ सीन करना पड़ेगा मेरे को, वेट जो है गाइस कुछ ज़्यादा ही आ जा रहा है यार। बेस जो है ना गाइस वो बनाएंगे गाइस हम लोग, ठीक है, आराम से बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिलहाल के लिए पहले तो फोर्ज लगाता हूँ। अभी फोर्ज में डालने के लिए मुझे मेटल चाहिए बराबर, और अनफॉर्चुनेटली शायद मेरे पास थोड़ा सा तो मेटल पड़ा है, पर ज़्यादा मेटल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मेटल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंड थोड़ा सा वुड चाहिए होगा मुझे, ज़्यादा नहीं, 240 वुड। अभी मैं थोड़ा मेटल लेके आता हूँ। इस वाले एरिया में अगर हम लोग इन पत्थरों को तोड़ेंगे ना, मेटल की जगह पे हम लोग को सैंड मिलेगी, ठीक है। बट मुझे पता है मेटल कहाँ पे, मेटल एक होगा इस वाले एरिया में। ओके चमन इधर आ जा, थोड़ा दूर जाना पड़ सकता है मे बी हमको, ठीक है। सामने की तरफ मेटल मिल जाएगा मेरे को। ओ रैप्टर का बच्चा, ठीक है भाई, कैसा है रैप्टर का भाई, रैप्टर के बच्चे कैसा है बाबा, मिट खाएगा ये ले। कौन हो रहे क्या भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, रैप्टर के बच्चे जाओ उधर, गो रैप्टर का बच्चा। यहाँ पे एक और भी रैप्टर है क्या, एक और भी रैप्टर है, ठीक है। मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे चुपचाप से पानी से बाहर भाई बैठा रहे, ठीक है, ठीक है चलो आ जाओ। अबे आगे बढ़ते और मैं एक काम करूँ क्या, बड़े मोरेल, अच्छा मुझे भाई हाइट नहीं चाहिए, मैं भूल गया, मुझे लगा हाइट चाहिए, मुझे चाहिए मेटल। और मुझे मेटल जो है गाइस वो सामने की तरफ मिल जाएगा, ठीक है, जितना मेरे को आइडिया है यहाँ पे बस सामने की तरफ हमको भर भर के मेटल मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा भाई ये मैप जो है ना गाइस कुछ ज़्यादा ही खेल चुका है, 12 लेवल अब 42-30 कर लेता हूँ। मिली डैमेज में थोड़े पॉइंट, स्टैमिना में थोड़े पॉइंट, हेल्थ में थोड़े पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे गाइस मेटल मिल जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिन ये एरिया मेटल से भरा हुआ होना चाहिए। तेरे मेटल कहाँ पे है, व्हाट द, ठीक है यहाँ मेटल नहीं दिख रहा मुझे, पता है गाइस एक और लोकेशन रुको, पीछे साइड जाना पड़ेगा। बस मैं एक सिकल बना पाऊँ जिससे मुझे फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिले, जिससे हम लोग हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको अपग्रेड कर पाए भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो मुझे पता है कि इस घर के ऑपोजिट साइड जाना पड़ेगा, यहाँ पे मेटल तो था बट अभी पता नहीं भाई कहाँ पे मेटल, ठीक है। कोई इनविजिबल चीज़ उड़ उड़ के गई क्या वहाँ से, इसमें रॉक गोलेम की भी है गाइस, तो रॉक गोलेम भी भाई हमको टेम करना है, उसके लिए तो हम लोग को बहुत ज़्यादा भाई मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे इसकी भी लेवल अप हो चुके हैं 2000 हेल्थ, ओके चलो इसकी भी बढ़िया सी लेवल अप जो है गाइस हो चुके हैं। और मेरे पास एक और रैप्टर है, रैप्टर का बच्चा है एक्चुअली में, जिसको मैंने वहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। मुझे जो गाइस यहाँ पे मेटल है ना वो मिलेगा सामने की तरफ, ठीक है। मैं इस वाले एरिया में ना बहुत ज़्यादा बार बेस बना चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक मेटल का डिपॉजिट होगा। अबे भाई यहाँ कहीं पे ना एक मेटल का डिपॉजिट तो होना चाहिए यार, जितना मेरे को आइडिया है इधर तो मुझे मेटल मिलना चाहिए था। अरे भाई अब मेटल का क्या सीन है, रुको पानी पी लूं पहले। मेटल कहाँ से लेके आओ, क्योंकि ये पत्थरों से मेटल नहीं मिलेगा, मेटल के लिए भाई पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा क्या भाई, भाई इतना ज़्यादा दूर भाई नहीं यार, वहाँ पे खतरा भी बहुत ज़्यादा होगा। मेटल के लिए गई सामने की तरफ एक पहाड़ी, उसके ऊपर जाना पड़ेगा मैं भी, मुझे मेटल के बिना वैसे काम तो नहीं चलेगा हमारा। हाट भाई मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, चलो आ जाओ लेट्स गो, चलो मेरे पास अभी और कोई चॉइस जो है गई वो ये नहीं, मुझे पहाड़ी के पास जो है गई जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहिए मुझे भाई भर भर के मेटल तो चलते गए, चलो लेट्स गो भाई। डरे क्या गई, डर के आगे जीते भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, पहाड़ी के ऊपर जो है गाइस हम लोग को भर भर के मेटल जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। बस रस्ते में जो ना गाइस कोई हमारा गेम ना बजा डाले, अगर रस्ते में कहीं पे मेटल मिल गया ना तो मज़े आ जाएंगे, बट थोड़ा मुश्किल है। इसका लेवल अब क्या, स्टैमिना में कौन जाए, स्टैमिना थोड़ा सा डाउन है इसका। और आ गए सामने की तरफ पहाड़ी, भाई मैप तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मेरे को, ठीक है।
भाई अपना द आइलैंड की तरह नहीं है कि हर तरफ भाई हरियाली हरियाली भाई, कहाँ पे कौन सा बंदा भाई कौन से कोने में जा रहा है पता भी नहीं चल रहा, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हमको भाई दिख रहा है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, और अभी मैं जा रहा हूँ मेटल लेने के लिए। संभल गया, ये एरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ पे हाइनस वगैरह और बहुत सारे अलग अलग तरह के भाई जीव जंतु हम लोग को मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने रैप्टर का स्टैमिना फुल करके रख देता हूँ, क्योंकि अगर भागना पड़ा तो मुझे भाई फुल स्पीड में भाई दौड़ दौड़ के यहाँ से निकलना पड़ेगा। ठीक है, बोल रहा तो यहाँ से पहाड़ी के ऊपर जाने का एक रास्ता होगा। ओह नो, इट्स नॉट ए नॉर्मल रैप्टर। तो ठीक है ऊपर से जाता हूँ मैं, भाई पंगे नहीं लेने का इस मॉड वाले भाई रैप्टर पिप्टर से, फालतू में पंगे नहीं लेने, बैंड बजा देंगे ये लोग मेरी, डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड कर देंगे। मैं ऊपर से थोड़ा भाई क्रिस्टल भी लेके आऊँगा जिससे हम स्पाई ग्लास बना सकें। वेट अ मिनट, वेयर आई एम, व्हाट, तो पहाड़, अच्छा वो रहा सामने की तरफ पहाड़, ठीक है वो रहा सामने की तरफ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया पहाड़ कहाँ गायब होगा, वो रहा गाइस। ठीक है, मेटल अगर यही मिला ना तो मैं यहीं से निकलूंगा। यहाँ पे भी मेटल के डिपॉजिट होते थे, थोड़े ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे से मेटल के डिपॉजिट यहाँ पे भी होते थे, बड़ा आज कुछ भी नहीं दिख रहा। पहाड़ी के ऊपर क्रिस्टल भी मिल जाएगा जिससे हम लोग के जो है कि स्पाई ग्लास वगैरह भी बन जाएगी, बट ठीक है देखते चलो, लेट्स सी। पहाड़ी जो है कैसे थोड़ी खतरनाक सी है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। रैप्टर को लेके जा रहा, और बाप रे, संभल के वहाँ पे भसड़ तो मची हुई है, अजीब अजीब प्रजाति के रैप्टर्स दिख रहे हैं मेरे को। थ्रोनी ड्रैगन भाई बाय बाय। ठीक है, रैप्टर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ, टेरर बर्ड जो ना क्या जो चमन होता भाई, पीछे लग जाएगा मेरे को पता है भाई पक्का। इसको दूसरों के फटे में ना टांग अड़ाने की बहुत ज़्यादा भाई आदत होती है, वो डांस से पर तो भाई साहब डैम। और बाबा रे बाबा, डिओडन का पूरा झुंड पीछे पड़ चुका है। अगर मेरे रैप्टर का गलती से भी स्टैमिना खत्म हो गया तो समझ लेना मेरी मौत भाई पक्की सुटक्की है भाई। ठीक है, मौत निश्चित है मेरी। ठीक है चलो, आ जा भाई। रैप्टर को भाई मैं दौड़ा के नहीं लेके जाने वाला हूँ, पाथ फाइंडिंग इनका मे बी वर्क ना करे और हम बच जाए। ठीक है, इनका पाथ फाइंडिंग वर्क ना करे और मैं बच जाऊँ एक्चुअली मैं। ठीक है, हम बच गया एक चवल लोग से भाई। ठीक है, सो पहाड़ी के ऊपर जाना है बस और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर भाई चीटी, इट्स नॉट अ नॉर्मल चीटी भाई, चीटी है तो स्टैमिना भी ट्रेन करेगी भाई। बाढ़ में जा भाई, चीटी को इग्नोर मार के हम ऊपर जा रहा हूँ। वो बीटा डेल्टा बिल्टा वाली चीटी थी, थोड़ा संभल के। यहाँ पे रॉक गोले मिल सकते हैं हमको, ठीक है तो उनसे भी बच के रहना पड़ेगा भाई। रॉक गोलेम भाई से अल्फा से बर्थ होते वहाँ पे, एंड मैं अभी फिलहाल के लिए अल्फा से पंगा लेने के मूड में नहीं। अरे बॉस कहाँ से आ गया यहाँ पे, बॉस भाई मारना तो नहीं, अरे मारना नहीं बॉस भाई, मान ये नहीं होना चाहिए था यार। भगवान बचा लो, आपस में लड़ो भाई, आपस में लड़ो, मुझे बस मेटल चाहिए यार, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मैं मेटल लेके निकल लूंगा मेरे भाई लोग। अरे बात है तू, हम बात के मुंह में कूदने आया हूँ लग रहा है। गाइस गलती, पहली फुर्सत में निकलना है यहाँ से, गलती, नो, इतना रिस्क नहीं ले सकते भाई, इतना रिस्क नहीं लेना भाई। अरे बाप रे, पीछा ही नहीं छोड़ रहा चमन चूजा, कारनो भाई
का करो, शर्म ना आती तुमको हैं? पीछा कर करके मारेगा क्या भी? यार मेटल भी लेनी पाया ऊपर में दी तू हम थी और भाई बता नहीं और कौन कौन से भाई यहाँ पे डायनोस थे। ठीक है रुको। अरे यार मेटल वाले पत्थर मिल जाए बस, बस मेटल वाले पत्थर मिल जाए भाई, और कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई यार, अरे कोई मेरा पीछा कर रहा भाई। बच गया भाई, भाई स्टैमिना में पॉइंट डालो भाई, इसके इसके स्टैमिना में पॉइंट डालो भाई। पहले तो मेरी लेवल अप नहीं आई ना, पूरा लाल लाल हो गया भाई ये स्क्रीन अपना। ठीक है इसका स्टैमिना रिकवर होने दो। यार मेटल के डिपॉजिट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस कहीं पे, मुझे एक फ्लायर चाहिए होगा, समझ रहे हो गाइस? फ्लायर के बिना भाई यहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। यार मेटल के डिपॉजिट्स, मेटल मेटल मेटल, अरे यार मेटल तो होना चाहिए था भाई। एक मेटल का पत्थर नहीं दिख रहा, एक गाइस एक, समझ रहे हो? तो मैं यहाँ से घूम के जाता हूँ, मैं पहाड़ी के तो ऊपर नहीं जा सकता होगा इस मेटल लेने के लिए अभी, तो भी इस नदी में से गाइस आगे बढ़ते जाना पड़ेगा मुझे। यार अलग ही सीन है, पता नहीं गाइस इस वाले एपिसोड में हमको मेटल मिलेगा भी कि नहीं। ओ यहाँ पे गहरा पानी है, ठीक है तैर पा रहा है अपना रैप्टर इधर। ठीक है मेरे को पता नहीं यहाँ पे मुझे मेटल जो है गाइस वो मिलने भी वाला है या नहीं। एक मेटल का पत्थर था जो मैंने भाई तोड़ दिया अपने घर के पास, अभी उसको रिस्पॉन्ड होने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं मेरे को भाई। मेटल की डिपॉजिट्स की लोकेशन जो है ना कैसे मुझे निकालनी पड़ेगी, रखो सेफ लोकेशन जहाँ पे ज़्यादा कोई खतरा ना हो भाई। ठीक है मैं ऐसे लोकेशन पे गया था जहाँ पे भाई खतरा ही खतरा था। आगे भी गाइस मुझे मेटल नहीं दिख रहा, मुझे बस गाइस कुछ रैप्टर्स वगैरह ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है मेटल का नामो निशान नहीं है भाई यहाँ पे। ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे ऊपर चलते सबसे पहले तो। ठीक है रुकना है गाइस, रुकना रुकना, मेटल कैसे नहीं है भाई, रुको। हाँ ऊपर से चलते, पानी में से जो है ना स्पीड कम हो रही है मेरी। ठीक है अभी यहाँ से ऊपर से नज़र रखेंगे कि मेटल दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे मेटल नहीं है, चलो भाई ये तालाब जो है गाइस वो ख़त्म ही हो गया। वैसे भी यहाँ पे थोड़ा सा मेटल जो है गाइस मिल, इनको तोड़ने से मेटल मिल रहा है क्या? मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, नहीं यार सैंड मिल रही इनको तोड़ने से। मेटल का पत्थर, मेरी हेल्थ भी रिकवर हो गई वैसे। मेटल का पत्थर भाई, यार एक मेटल का पत्थर नहीं है भाई यहाँ पे, एक मेटल का पत्थर। बताओ भाई मैं सिकल वगैरह कहाँ से बनाऊँ? बिना सिकल के जो है फाइबर ज़्यादा मिलेगा नहीं मुझे, और मैं बो को भाई अपने अपग्रेड नहीं कर पाऊँगा। आज तो गाइस मैं सिकल बना के रहूँगा भाई, मेटल जो है उसका जुगाड़ तो मैं करके रहूँगा किसी भी कीमत पर। नहीं है भाई, एक भी मेटल का पत्थर मिल गया ना तो भी काम हो जाएगा, पता है आपको? एक पत्थर बस, जो मैंने पहले तोड़ा था वो रिस्पॉन हो गया होगा क्या पत्थर? क्या लगता है गाइस आपको? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो गाइस पहले मैंने पत्थर तोड़ा था ना वो देखता होगा इसमें रिस्पॉन हुआ क्या। ठीक है क्योंकि यहाँ पे तो मेटल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो पत्थर में भी मेटल वाला जो है गाइस वो रिस्पॉन हो चुका हो, और उसी से हम लोग को जो है ना गाइस में भी यहाँ पे मेटल मिल जाए। मेटल है क्या? इज दैट स्मॉल पत्थर तो है, अजीब सा। हाँ भाई 17 मेटल मिला, छोटू सा मेटल का पत्थर था, चमकीला सा था भाई इसलिए दिख गया। और एक मिनट रुक जाओ, ये मेटल है यहाँ पे नहीं, और कहीं भी चमकीले पत्थर दिख रहे छोटे से? ये रैप्टर अपना बड़ा होने वाला है वैसे यहाँ पे अभी, ये पत्थर भी रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। हेलो रैप्टर भाई कैसे हो, कितना भाई? अच्छा इसके पास, अच्छा हो भी गया बड़ा भाई, कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़ा हो गया भाई ये रैप्टर तो। ठीक है रुकना गाइस मैं देखता हूँ कितना मेटल पिघला हुआ है। अरे वाह भाई, मैंने मेटल पिघलाने के लिए नहीं डाला था भाई, कर लो बात। ना यहाँ से तो मेटल नहीं मिलेगा। 30, 7, 14 हो जाएगा गाइस, सिकल तो बन जाएगी नॉर्मल वाली हमारी। ठीक है 34 भाई मेरे को और चाहिए थे, सैंडस्टॉर्म। अरे भाई वो देखो सैंडस्टॉर्म भाई कैसे आ रहा है, होली शिट आई एम डेड भाई। नहीं
अरे एक मिनट, इसमें हेल्थ जाती है अपनी, गाइस ठीक है, अपने हेल्थ जाती भाई लोग इसमें। अबे कहाँ पे सिकल, तो भी जल्दी बनाना पड़ेगा सिकल, कहाँ पे मेरी जाना। अरे ये नहीं नॉर्मल सिकल कहाँ है, अल्ट्रा मेटल चाहिए नॉर्मल सिकल के लिए। भाई शर्म आती है कुछ, अल्ट्रा मेटल कहाँ से लेकर आऊँ मैं। अरे यार गया मैं गया भाई, मैं स्मिति बना लूँ को, और टेंट बना पाऊँगा भाई यार। टेंट कहाँ पे, उसको टेंट ही बोलते हैं क्या। सैंडस्टॉर्म के प्रोटेक्शन के लिए एक टेंट होता है भाई यहाँ पे, जो हम लोग लगा सकते हैं। यार सैंड टेंट, टेंट नहीं है क्या। अबे भाई कहाँ पे है, डाल रहा होगा स्पेलिंग ही नहीं, यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा गाइस। इस वाले मैप पे नहीं है क्या टेंट, तो सैंडस्टॉर्म से इम्यूनिटी कैसे मिलेगी हमको। कहीं ना कहीं तो होगा भाई, क्योंकि मुझे इतना पता है कि स्क्रॉचर पे गए हम लोग को टेंट देखने को मिलता है। ठीक है जाओ गाइस, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि वो कहाँ पे है अपना टेंट गाइस। भाई मेरा पानी गया, मेरा पानी पूरा खत्म है, टेंट नहीं। चलो ऐसे ही काम चला लेंगे। मूवमेंट स्पीड कम हो गया ऑफ कोर्स यार, अपनी बिजलियाँ कड़क रही है यहाँ पे। सैंडस्टॉर्म आ चुका है भाई, तो और क्या एक्सपेक्ट करे। पानी पी ले, फुल सैंडस्टॉर्म आ चुका है, फुल सैंडस्टॉर्म। ठीक है आप देख ही पा रहे होंगे भाई, क्या खतरनाक लग रहा है यार सैंडस्टॉर्म भाई साहब। देखो भाई बिजली कड़क जाए भाई, मजा आ जाए। बिजली कड़क जाए ना भाई, दिखने में काफ़ी खतरनाक लगती है भाई जब बिजलियाँ कड़कती है यहाँ पर। ठीक है सैंडस्टॉर्म ये वाला उतना दिक्कत नहीं दे रहा, देखा जाए तो। स्मिति के लिए क्या चाहिए, बस वो मैं रुक जाओ, वुड डालता हूँ वापस में। हाँ ये लो, ओके। सिकल के लिए भी यहाँ पे 7 मेटल बनेगा घर, उससे ज़्यादा नहीं, और मुझे 7 से ज़्यादा मेटल चाहिए यहाँ पे। इसको यहाँ पे लगा ले तो सिकल के लिए कितना मेटल चाहिए होगा, 11 और मेटल चाहिए होगा, मतलब 22 मेटल इनगट्स और मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे, 22 मेटल इनगट्स बॉयज। ठीक है 22 मेटल इनगट्स बॉयज। मूवमेंट स्पीड कम भाई, मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि जब भाई सैंडस्टॉर्म आता है तो हम लोग भाई तेज़ी से भाई चल भी नहीं सकते। आपको भी बताया हवा इतनी तेज़ होती है कि आगे बढ़ने से हमको रोकती है, और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है मेरे साथ। देखो मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं फुल स्पीड में आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ बट फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, जब तक ये सैंडस्टॉर्म आया हुआ है ना यहाँ पे, तब तक मैं भाई थोड़ी सी मेटल की लोकेशन जो है वो निकाल लेता हूँ। ठीक है रुको, वेट अ मिनट, चला गया क्या। ओके सैंडस्टॉर्म तो चला गया, एक मिनट रुक जाओ गाइस, मुझे अभी एक ना मस्त वाली चीज़ याद आई। आप बोलोगे क्या, बताता आपको, मुझे पता है मुझे मेटल कहाँ मिलेगा, और भर भर के कचरे की तरह मेटल मिलेगा। अभी मुझे याद आया गाइस, अभी जस्ट मेरे को याद आई एक चीज़, मुझे पता है मेटल कहाँ मिलेगा। रुको अभी डिक करके देता गाइस, अभी डिक करके देता। क्या हुआ भाई, प्यास लगी है क्या। जन्मों जन्मांतर के प्यासे इंसान, पानी पी ले। मुझे पता है गाइस मेटल कहाँ मिलेगा, सामने के पहाड़ पे। ये सामने जो पहाड़ है ना, मुझे याद कैसे आया पता है, इस मैप पे मैं प्रैमल फेयर भी पहले खेल चुका हूँ, उसमें भी मुझे मेटल की ज़रूरत थी। एंड मैंने जब ये सामने का पहाड़ देखा ना, तभी मुझे याद आया कि अरे एक मिनट रुक जाओ, मेटल तो यहाँ पे मिलता है बर के। अभी देखो गाइस कितना मेटल मिलेगा यार, ये मैं चीज़ कैसे भूल गया था। यहाँ पे ज़्यादा खतरा भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, नज़दीक भी है लोकेशन और ज़्यादा खतरा भी नहीं है। हाँ बस ऊपर चढ़ने का रास्ता मुझे बताने कहाँ से। ठीक है रैप्टर भाई का स्टैमिना बढ़ा दो यार, स्टैमिना भाई इतने ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रहा है ना, गेम सेव कर लेता हूँ। क्रैश भी से ज़्यादा आजकल गेम होता नहीं है भाई हमारा। ठीक है ये जेरबुआ भी है भाई, जेरबुआ को भी पकड़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का गाइस, जेरबुआ भाई को भी पकड़ेंगे। पहले तो यार ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढूँ, यहाँ पर खतरा ना हो बस ज़्यादा, जितना मुझे आइडिया है यहाँ पर ज़्यादा खतरा तो नहीं होगा। ठीक है अब मैं इनको तोड़ सकता हूँ अगर मैं गलत नहीं होता। आई कैन हार्वेस्ट दिस एंड गेट सॉल्ट, ना आई कैन नॉट।
ठीक है, इस पहाड़ी के ऊपर हम लोग शायद से उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे मुझे मिल सकता है गाइस मेटल। और आ गाइस, अरे भाई लेट्स गो, फाइनली भाई इतना ज़्यादा इधर उधर ढूंढने के बाद मेटल जो हम लोग को मिल चुका है। थ्रोनी ड्रैगन से यहाँ पे थोड़े खतरनाक से, थोड़ा बच के, थ्रोनी ड्रैगन से बच के बस। ठीक है रुको, अभी जितने भी मेटल के यहाँ पे पत्थर है गाइस सबको मैं तोड़ूंगा। मेरे को ये ले बस मेटल चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए भाई। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेटल उठा के लेके जाता हूँ। रुको मैं, रैप्टर भाई इधर आओ। ये देखो गाइस यहाँ पे भर भर के मेटल के पत्थर मिलेंगे। ठीक है क्रॉसबो भी बना लूंगा गाइस मैं मेटल की, तो ओपीसी के एक क्रॉसबो भी बना लूंगा। रुको इतना मेटल तो मेरे को मिल गया भाई कि क्रॉसबो बना सके इजीली और उसको अपग्रेड भी कर सके, जिसका डैमेज हमारे वाले जो है ना गाइस वो से ज़्यादा जाएगा। रैप्टर का लेवल अब, यार मेरे को प्यास लग रही है, मजाक हो रहा भाई, वापस से प्यास लग गई। ओह शिट, वोल्केनिक कारनो भाई से दूर रहना। जितना मेटल चाहिए था मिल चुका है, चलो जल्दी कल्टी मार लेता हूँ। ज़्यादा लालच करूँगा तो भाई बैंड बजेगी, ऊपर से मुझे प्यास भी लग चुकी है। ठीक है यहाँ से निकल लेता हूँ, रुको मैं। ठीक है हम लोग चलते गए हमारे घर पे, और घर पे चल के फाइनली सिकल बनाऊंगा अपने भाई, इक्विपमेंट जो है उनको मैं अपग्रेड करूँगा। भाई क्या ओपी लग रहा है यार मैप, मैप तो काफ़ी बढ़िया भाई भाई बनाए हैं इन लोग ने, मज़ेदार है काफ़ी ज़्यादा। चलो अभी यहाँ से हम लोग आराम से नीचे कूदी मार मार के जाएंगे, मेरे छोटी छोटी से भाई जंपे मार मार के जाएंगे। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कुछ खतरनाक तो क्रीचर नहीं, जेर, अरे नहीं यार ये जेरबुआ भी पीछा कर लेता कभी कभी, थोड़ा संभल के भाई जेरबुआ से, ये भी पीछा कर करके मारता है कभी कभी। ठीक है, अरे यार प्यास कुछ ज़्यादा ही लग गई है मेरे को, रुकना गाइस, पीछा तो नहीं कर रहा ना कोई, नहीं चलो आ जाओ, प्यास बहुत ज़्यादा लग गई है गाइस, रुको जल्दी से मैं पानी पी लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है प्यास कुछ ज़्यादा ही लग गई मेरे को, पानी पीते हैं, मेडल को पिघलाने के लिए डालते हैं, इक्विपमेंट जो है गाइस वो बनाते हैं, पहले मेडल को पिघलाने के लिए डाल देते हैं। पानी तो भाई पीते रहेंगे, भर भर के पानी यहाँ पे। ठीक है भाई मेडल डालो, 400 मेडल लेके आ गया भाई तुम्हारा, भाई सीधा 400 भाई, सीधा 400 भाई, पानी पी ले। ठीक है डन, ठीक है रैप्टर को अनफॉलो करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बेचारा हमारा रैप्टर भाई। रैप्टर भाई, रैप्टर भाई ये सामान दो, ये दूसरे रैप्टर के लिए सैडल बना लूँ मैं, हाइट कम बढ़ रहा है थोड़ा, हाइट वैसे ज़्यादा नहीं अभी नहीं बनाता मैं। ठीक है ये वाला अपना भाई जो बेबी रैप्टर था वो बड़ा हो गया था, उसके लिए मैं सोच रहा था सैडल बना दो। मीट है यहाँ पे, मीट है, ठीक है थोड़ा अगर मीट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। हाँ चलो मीट गाइस, यार ये पत्थर बीच में आ गया था, मीट जो है ना गाइस उसकी ज़रूरत है मुझे अभी खाने के लिए, और वुड जो है गाइस उसकी भी ज़रूरत है, रुको वुड भी लेके आता हूँ। और यहाँ के पत्थर मैंने तोड़ दिए ना सारे, अच्छा उधर है सामने की तरफ, चलो तब तक हमारा मेटल जो है गाइस वो भी पिघल जाएगा, उसकी मदद से फिर हम लोग सिकल जो है वो बड़े आराम से बना पाएंगे, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे यार ऊपर कहाँ से चढ़ना है, वो यहाँ से, ठीक है चलो लेट्स गो। चलो भाई हीट वेव मैन, यार मेरी प्रॉब्लम खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हीट वेव आ चुकी है। आप नीचे देख सकते हो एक भाई आग का वो सिंबल बन चुका है, लकीली मेरे ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा पता है, जो मैंने 40-30 कर रखा है ना इसके रीज़न से मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी मिल रही है इन सारी चीज़ों से। अगर मेरा 40 जो है गाइस वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता ना तो तुम्हारा भाई अभी तक भाई गर्मी के रीज़न से ही मारा जा चुका होता यहाँ पे। 40-30 कर लिया है मैंने इसलिए मैं बच रहा हूँ, अभी भी मुझे भाई उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही लकीली। ठीक है 40 कम होता तो भाई अपना भाई आप पे जो है ना जल के खाक होना कन्फर्म था। ठीक है रुको मुझे वुड किस लिए चाहिए था पता नहीं भाई, एक काम करो जी, अच्छा पहले सिकल बनाना है ना, सिकल बनाने के लिए क्या चाहिए अभी मेटल इनगढ़ दो और चाहिए। ठीक है रुको दो और मेटल इनगढ़ की ज़रूरत है, और जब भी हीट वेव आती है तब इस मैप में एक फ्यूनिक्स स्पॉन होता है, लेकिन उस फ्यूनिक्स को कैप्चर करने का तरीका ना भाई बहुत ज़्यादा भाई खतरनाक वाला है। ठीक है उसको भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे जब भी हीट वेव आती है तब, और जैसे हीट वेव भाई चली जाएगी उस फ्यूनिक्स भी गायब हो जाएगा। ठीक है चलो आ जाओ सिकल बनाते भी, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फाइबर जो है गाइस वो फाइनली यहाँ पे मिलने वाला है, एंड इस फाइबर की मदद से मैं जो है गाइस फाइनली यहाँ पे अपग्रेड कर पाऊँगा मेरे टूल्स को। ठीक है लगभग 1000 फाइबर ज़्यादा, हाँ चलो भाई ले ले भाई 2000 भाई फाइबर की कभी है क्या, भर भर के फाइबर मिल गया है। चलो अभी टूल्स को अपग्रेड करा जाए फाइनली। ठीक है नाउ लेट मी अपग्रेड मा बो गाइस 750 मतलब भाई बहुत ज़्यादा तगड़ा डैमेज भाई जाएगा इसका तो, और नहीं नीड मोर फाइबर,
400 और 500 बचे भाई, 3500 जमा करा था, एक चुटकी में खत्म हो गया। रुको, 5000 लेके चलता हूँ इस बार, ज़्यादा फाइबर चाहिए। 3000, 4000, ठीक है। 5000 से मेरे हिसाब से हमारी जो भाई बो है गाइस वो अपग्रेड हो जाएगी। ओके, सिल्क मिल रहा है क्या मुझे? नहीं ना, मुझे सिल्क भी ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा गाइस, मुझे सिल्क की थोड़ी तलाश है। वुड चाहिए, आई नीड मोर वुड मेन। ठीक है रुको, सामने से वुड लेके आता हूँ भाई। रात होने वाली है यहाँ पे, रात होने से पहले हम लोग भाई सारा का सारा काम कर लेंगे इक्विपमेंट को अपग्रेड वगैरह करने का। और मैं ना सिल्क वाले कुछ ना, अरे यार हीट वेव में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है यार, एक प्रॉब्लम ये है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है भाई जब भी हीट वेव आती है। 600 वुड मेरे हिसाब से नहीं यार, इनफ नहीं रहेगा मेरे लिए। ठीक है, ये हीट वेव काफ़ी टाइम तक चलेगी गाइस, यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। 250 मुझे और थोड़े से जो है गाइस यहाँ पे भाई वुड चाहिए होगा, क्योंकि मुझे और कुछ चीज़ें गाइस अपग्रेड करनी। यहाँ पे ना सिल्क होता है, पता है आपको सिल्क? हाँ नाइस, ये किससे मिल रहा है? दिस रेड फ्लावर। ठीक है, इससे मुझे डेजर्ट सूट जो है ना गाइस वो बना लेना है। ठीक है, ये जो सिल्क मिल रहा है ना, इसकी मदद से मुझे डेजर्ट सूट बनाना है, जो मुझे ये जो हीट वेव आई है ना इससे मैं फुल इम्यूनिटी देगा, फुल इम्यूनिटी। अभी थोड़ा सा इफेक्ट मुझे पड़ रहा है, उससे भी गाइस हम लोग जो है गाइस बच जाएंगे। रुको, फुल डेजर्ट सूट बनाता हूँ मैं, फुल डेजर्ट सूट। अब बस इसको बनाने के लिए सीमेंटिंग पेस्ट वगैरह की जरूरत ना पड़े, फुल डेजर्ट सूट बनाएगा तेरा मेरे को। आई थिंक से 400 भाई, एक मिनट रुक जा, 19000 टोटल, 21000 टोटल जो है गाइस वो मैंने यहाँ पे फाइबर, 22000 फाइबर कलेक्ट कर लिया भाई। चलो आ जाओ अभी जल्दी से गाइस, अभी हम लोग हमारे, ये कौन है? हेलो, कैसे हो? इधर कैसे घूमने आया भाई? चिटिन डे 24 चिटिन दिया भाई चमन ने। ठीक है, चिटिन नहीं डालना है यहाँ पे, फाइबर एंड वुड और सिल्क मेरे पास ही रख लेता हूँ। अटेम अपग्रेड, अटेम अपग्रेड, अटेम अपग्रेड, 740, 755, ये मैक्स हो गया। अभी गाइस मुझे डेजर्ट सूट जो है गाइस वो बना लेना है। डेजर्ट सूट नहीं है यार, इन लोग ने काफ़ी इनग्राम गाइस यहाँ से निकाल दिए हैं, इन्होंने इसमें डेजर्ट सूट भी नहीं डाला है, वॉट। ठीक है चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हमारी इक्विपमेंट जो है और गाइस वेपन जो है गाइस वो यहाँ पे फुल्ली अपग्रेड हो चुके हैं, शाम भी गाइस यहाँ पे हो चुकी है, और आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो भी गाइस यहीं पे है। मूवमेंट स्पीड नहीं बढ़ा सकते ना, तो मिली डैमेज बढ़ाता हूँ। सो आज का गाइस हमारा ये जो एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म करने का टाइम भी हो चुका है। तो आज का ये हमारा जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 1 आर्क स्क्रॉच और सुपर मेगा मोनेड सीरीज का, हो जाता है ये पे खत्म। ये नया वाला जो डेजर्ट वाला मैप है, ये आप सभी को कैसे लगा जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस। How careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.